अश्मित का एक क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सटेंशन इन अ वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ए, मास एम एंड यंग्स मॉडुलस वाई अंडर इट्स ओन वेट। दैट सेम क्वेश्चन इज फॉर रोहित आल्सो। रोहित जो उस दिन तुम मैच में पूछ रहे थे ना एचसीबी का क्वेश्चन, ठीक है, तो वही का ये क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक वायर है जिसका लेंथ है एल, जिसका लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। देखिए इस वायर का लेंथ का जरूरत पड़ेगा तो एल ले लीजिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जरूरत पड़ेगा ये ले लीजिएगा, यंग्स मॉडुलस वाई ये मेंशन है, इसका मास एम है, मास इसका एम है, तो ये खुद अपने वेट की वजह से इसके अंदर इलॉन्गेशन प्रोड्यूस हो रहा है, खुद अपने वेट की वजह से इसके अंदर इलॉन्गेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तुमको उसी इलॉन्गेशन को फाइंड करना है, तुमको उसी इलॉन्गेशन को फाइंड करना है। जरा बात करो, नीचे से x डिस्टेंस ऊपर, यहां पे जो भी टेंशन एग्जिस्ट करेगा, यहां पे जो भी टेंशन एग्जिस्ट करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उस वायर का कौन सा हिस्सा होगा, उस पॉइंट के नीचे वाला या उस पॉइंट के ऊपर वाला? नीचे वाला। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो इस पॉइंट को हम लोग पी नाम दे दें, एट पॉइंट पी टेंशन विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ एच पोर्शन एंड जी। एच पोर्शन का मास कैसे लिखेंगे? पूरा मास बाय लेंथ इनटू एक्स इनटू जी। समझे सबको? Yes, पूरे मास में लेंथ से डिवाइड कर दिए, मास पर यूनिट लेंथ हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए एक्स से, ये हो गया टेंशन का फोर्स। अब देखो, मान लो इस टेंशन की वजह से उसमें एक इलॉन्गेशन है, दैट इज डीएक्स। लेट डीएक्स इज स्मॉल इलॉन्गेशन। अगर dx स्मॉल इलॉन्गेशन है तो क्या आप लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया डेल एल बाय एल, y इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया एंड डेल एल बाय एल, ठीक है। जरा गौर करो, देन y विल बी इक्वल्स टू, y विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू x बाय a इनटू dx। फोर्स के जगह पे टेंशन का वैल्यू पुट करो, टेंशन का वैल्यू m by l x dx, m by l x g पहले से है x और नीचे है a into dx। भाई याद रखिएगा, आपको इलॉन्गेशन निकालना है, आपको x के टर्म को इंटीग्रेट करना है, सब टर्म वाला x वाले को एक साइड ले दो, dx dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेशन में हम गलत डाटा ले, एक मिनट लाइन समझिएगा थोड़ा यहां से। यहां पे dx इज स्मॉल लेंथ लेना पड़ेगा, देखो जरा यहां लिख रहा है, लेट dx इज स्मॉल लेंथ, लेंथ है ये लेंथ, लेट dx इज स्मॉल लेंथ एंड del l इज स्मॉल इलॉन्गेशन। dx स्मॉल लेंथ होगा, dx स्मॉल लेंथ होगा और इस स्मॉल लेंथ में इलॉन्गेशन डेल एल होगा। फिर से dx स्मॉल लेंथ होगा, पूरा x लेंथ से आप वेट निकाल लिए, अब dx एक स्मॉल लेंथ है और उसके अंदर का इलॉन्गेशन डेल एल है, उसके अंदर का इलॉन्गेशन डेल एल, तो आपको ऐसे लिखना होगा y इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया इलॉन्गेशन by length, so y will be equals to 4
फोर्स इनटू डीएक्स बाय ए इनटू डेल एल, डेल एल को लेफ्ट में भेजो, डेल एल को लेफ्ट में भेजो, डेल एल विल बी इक्वल्स टू एफ इनटू डीएक्स बाय ए इनटू वाई। चलो डाटा पुट करो, डेल एल विल बी इक्वल्स टू फोर्स के जगह पे टेंशन का वैल्यू एम बाय एल एक्स, एम बाय एल एक्स इनटू जी और साथ में डीएक्स है और नीचे ए इनटू वाई है। अब इंटीग्रेट कीजिए दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल विल बी इक्वल्स टू एम बाय एल जी ए इनटू वाई कॉमन इंटीग्रेशन एक्स डॉट डीएक्स। ध्यान से समझो, छोटे से पोर्शन छोटे से इलॉन्गेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल इलॉन्गेशन आएगा। यहां पे एम जी बाई एल ए वाई कॉमन एक्स डीएक्स, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेके एल तक, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेके एल तक, तो तुम्हारा टोटल इलॉन्गेशन का वैल्यू आ गया एम जी बाई एल ए वाई, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया भाई एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से लेके एल तक, टोटल इलॉन्गेशन इज एम जी एल ए वाई। क्या हम यहाँ एल स्क्वायर बाई टू लिखते हैं, एक एल से ए स्क्वायर कैंसिल, सो डेल एल विल बी इक्वल्स टू एम जी एल बाई टू ए वाई। चेक करो तो अश्मित, फिर से एक जगह हमसे भी मिस्टेक हो रहा था तो बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। हम लोग एक्स पोर्शन की वजह से नीचे वेट लिए, वो वेट ही टेंशन है, टेंशन मतलब फोर्स है। अब हम गलती क्या कर रहे थे कि हम उसके बाद जो डीएक्स लिए थे उसको है ना इलॉन्गेशन मान रहे थे, जबकि वो डीएक्स था कि स्मॉल लेंथ, उसके अंदर का इलॉन्गेशन था डेल एल। तो डीएक्स इज स्मॉल लेंथ एंड डेल एल इज स्मॉल इलॉन्गेशन। अब उसके बाद फिर इंटीग्रेशन में सेट करके सारा चीज कर लिया गया। आपका आंसर बढ़िया से देखिए, कहीं भी कोई डाउट हो पूछ लीजिए। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोले लिखा दे, लिख लो, फाइंड द एक्सटेंशन इन अ वायर, फाइंड द एक्सटेंशन इन अ वायर ऑफ लेंथ एल, फाइंड द एक्सटेंशन इन अ वायर ऑफ लेंथ एल कॉमा एरिया ए, लेंथ एल कॉमा एरिया ए कॉमा मास एम, मास कैपिटल एम and Young's modulus y, and Young's modulus y under its own weight, under its own weight, अपने ही weight के कारण, under its own weight। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े दूसरा क्वेश्चन पे। सर इस केस में सर weight center of mass पे नहीं लगेगा सर? वेट सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, लेकिन अलग अलग न्यूमेरिकल में प्रोसेस अलग होता है ना। अगर तू वेट को सेंटर ऑफ मास पे ले लेगा तो उसके ऊपर खाली वेट लगेगा, नीचे वेट नहीं लगेगा। yes. तो हर जगह न्यूमेरिकल का तरीका अलग होता है। आपका बात एकदम सही है कि अगर सर आपको इसके वेट को एक पॉइंट पे मानना पड़ा तो कहां मानेंगे, सेंटर ऑफ मास पे, लेकिन वो न्यूमेरिकल उसका नहीं है। ये न्यूमेरिकल है कि हर हिस्से में अलग अलग टेंशन है, नीचे से जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे टेंशन बढ़ते जाएगा, तो हर पोर्शन के अंदर का इलॉन्गेशन भी चेंज करेगा। तो इलॉन्गेशन कितना आएगा ये है तुम्हारे पास। ओके सर, हो गया हटा दे। यस क्वेश्चन।
क्वेश्चन सुनना अच्छे से, ये तुम्हारे एक्सबी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है स्फीयर ऑफ मास 20 केजी सस्पेंडेड बाय अ मेटल वायर ऑफ अनस्ट्रेच लेंथ 4 मीटर एंड डायमीटर 1 मिलीमीटर। मतलब जो मेटल वायर आप यूज किए ना, मान लीजिए आप एक मेटल वायर की मदद से एक बॉल को हैंग किए, मेटल वायर का लेंथ दिया हुआ है एल, वो लेंथ कितना दिया हुआ है 4 मीटर 4 मीटर, और जो वायर आपको दिखाई दे रहा है उस वायर का डायमीटर मेंशन है 1 मिलीमीटर। व्हेन इट इक्विलिब्रियम देयर इज अ क्लियर गैप ऑफ 2 मिलीमीटर बिटवीन द स्फीयर एंड द फ्लोर। जब आपका बॉल ऐसे हैंग है तो नीचे वाले सरफेस और बॉल के बीच एक गैप है, वो गैप कितना है, वो गैप मान लो हम एक्स लिखते हैं तो एक्स क्वेश्चन में 2 मिलीमीटर मेंशन है। आगे लिखा है द स्फीयर इज जेंटली पुश्ड असाइड सो दैट वायर मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल एंड इज रिलीज्ड। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट स्फीयर डज नॉट रब द फ्लोर। यंग्स मॉडुलस दिया है, बोला मेक एप्रोप्रिएट एप्रोक्सीमेशन। यंग्स मॉडुलस दिया है 2 × 10⁻¹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और बोला मेक एप्रोप्रिएट एप्रोक्सीमेशन। क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा सबको पहले। जब आप इस स्फीयर को एक साइड में खींचिएगा छोड़िएगा, जब आप इस स्फीयर को एक साइड में खींच के छोड़िएगा तो बॉल ऐसे गिरेगा नीचे की तरफ, ठीक है, बॉल ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा। इज दिस क्लियर? अब देखो हो क्या रहा है, जब इस स्फीयर को आप एक साइड खींच के ऐसे छोड़ेंगे ना तो वो नीचे ऐसे गिरेगा, जब वो नीचे से पार करेगा तो जब सबसे लोएस्ट पॉइंट पे सोचिए क्या यहां सेंटर होने से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा? यस सर। और साथ में एमजी भी लगेगा। यस सर। तो यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एमवी स्क्वायर बाय आर और प्लस एमजी, ये दोनों मिलके टेंशन क्रिएट करेगा और वही टेंशन स्ट्रेस में कंट्रीब्यूट करेगा, वही टेंशन स्ट्रेस क्रिएट करेगा। अब जरा सोचिए ना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन बोलता है कि ये बॉल जो है जब आप इसको थीटा एंगल तक उठा के छोड़िएगा तो जब बॉल जाना चाहिए ना तो फ्लोर को टच करता हुआ जाना चाहिए, उसको रगड़ना नहीं चाहिए, टच करता हुआ। अरे टच क्यों करना चाहिए, अभी तो यहां 2 मिलीमीटर का 2 मिलीमीटर का यहां गैप है, टच क्यों करेगा पहले ही बताओ। एलॉन्गेशन ऑफ वायर। वेरी गुड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एमजी दोनों मिलके वायर को नीचे खींचेगा, इससे वायर में इलॉन्गेशन होगा। मतलब इनडायरेक्टली तुमको यह बताया जा रहा है कि वायर का इलॉन्गेशन 2 मिलीमीटर आपको लेना है, क्या बोलते हो, सही है? Yes, sir. अब देखिए हर चीज को घुमाते जाइए, चलिए सबको मिलाते हैं। मान लीजिए इसको हम लोग थीटा एंगल तक ऐसे उठाएं और जब हम छोड़े हैं तो ये यहां से ऐसे वापस जा रहा है। वापस जाते समय इट हैव सम वेलोसिटी वी, तो वेलोसिटी वी है तो नीचे की तरफ एमजी काम करेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर काम करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया एल बाई डेल एल, डेल एल बाई एल, डेल एल में एक्स ले लिए, डेल एल में एक्स ले लिए, तो क्या मेरे पास यहां से ऐसा वैल्यू आएगा वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एल बाई ए इंटू एक्स। y equals to force में लिख सकते हैं mv square by r plus mg साथ में l और साथ में a into x। देखो अच्छे से, ठीक है? Yes, sir. अच्छा अब आप में से कोई कैपेबल है ये बताने के लिए कि भी कैसे लिखेंगे, ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कोई बता पाएगा ये भी कैसे लिखेंगे जब ये बता दिया कि थीटा एंगल तक इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दीजिए? Yes,
मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, याद है आप लोगों को, थीटा एंगल पे अगर छोड़िएगा तो यहाँ पे जो एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म होगा वही काइनेटिक में बदलेगा। इस पॉइंट को ए कह दिए, इस पॉइंट को बी कह दिए, जरा देखना क्या ये वर्टिकल हाइट एच है। अगर ये एल है तो यहां से यहां तक एल कॉस थीटा है, क्या ये हाइट एल माइनस एल कॉस थीटा है? यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, एनर्जी एट ए और एनर्जी एट बी बराबर, ए पॉइंट पे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच और बी पॉइंट पे वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, एमएम कैंसिल, जहां बी स्क्वायर है वहां पे आप टू जी एच लिख सकते हैं, मतलब आप टू जी एच के जगह पे एल माइनस एल कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलो ये इक्वेशन टू है, इस टू को इक्वेशन वन में यूज करो, यूजिंग इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, तो वैल्यू हो गया वाई इज इक्वल्स टू, समझना तुम्हारा, एम बाई आर, एम बाई आर वी स्क्वायर के जगह पे, वी स्क्वायर के जगह पे टू जी एल माइनस एल कॉस थीटा, टू जी एल माइनस एल कॉस थीटा प्लस एम जी इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स। अब एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा गौर करो, सबको आंसर देने का कोशिश करना, ये आर इस फिगर में क्या है? वेरी गुड, ये आर एक्चुअली एल प्लस एक्स है, ये आर एक्चुअली एल प्लस एक्स है, वेरी गुड। लेकिन पता है आलोक बाबू, आपके लिए क्वेश्चन आसान कर दिया गया, एक लाइन लिखा गया, बोला मेक एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन। देखिए लेंथ है मीटर में और एक्स है मिलीमीटर में, तो आप R को L प्लस एक्स जो बोल रहे हैं आप केवल L लिख सकते हैं, बोलिए सही है? तो जो आपका R था ना वो था तो वैसे L प्लस एक्स, लेकिन एक्स छोटा होने की वजह से आप L लिख सकते हैं, तो क्या हम लोग M बाई L 2G L कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस mg साथ में L और नीचे a इंटू एक्स लिखते हैं, ये एल एल कैंसिल, देखिए ना सब डाटा दिया हुआ है, थीटा निकाल लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है? सब डाटा दिया हुआ है, थीटा निकाल दीजिए आंसर आ जाएगा। कोई कुछ चैट में लिख के भेजे हैं कुछ? श्रेया लिखी हो, क्यों क्या? श्रेया कुछ डाउट हुआ है? ये समझ में आया सबको? चलो नोट कर लो, यहां से है ना थीटा का वैल्यू निकालना है, सॉल्व करोगे, सब डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लो सब एक एक करके दिया हुआ है, मास ऑफ बॉम्ब भी दिया हुआ है 20 kg, वो भी लिखा हुआ 20 kg, सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिए, आंसर है, नोट कीजिए बड़ा। देखो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डिप करेंगे तो कैपिलरी के अंदर लिक्विड अपने लेवल से राइज अप करने लगेगा। हम लोग उसका पूरा डेरिवेशन लास्ट क्लास में कर चुके थे, आज जो अभी पहला पोर्शन आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप कैसे हैंडल करेंगे उसको देखिए ध्यान से, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, ये आपके पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा है,
तो लिक्विड इसके अंदर राइज किया, जिस हाइट तक लिक्विड राइज किया, जिस हाइट तक लिक्विड राइज किया उस एच का फॉर्मूला था 2t cos θ / r ρg, करेक्ट है? उस एच का फॉर्मूला था 2t cos θ / r ρg, ये लास्ट टाइम हम निकाल चुके थे। अब यहां से देखिएगा पैटर्न, अगर ऐसा हो कि थीटा का वैल्यू 90 से छोटा हो, ऐसे केस में cos थीटा आएगा पॉजिटिव और हाइट आएगा पॉजिटिव, इसका मतलब लिक्विड का राइज होगा, लिक्विड ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा, लिक्विड का राइज होगा, कैपिलरी के अंदर लिक्विड ऊपर उठ जाएगा। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर लिक्विड जिसका कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम दिया हो, याद रखना कि वैसे केस में कैपिलरी के अंदर लिक्विड का राइज होता है। लेकिन 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 अगर ऐसा हुआ कि लिक्विड का कॉन्टैक्ट एंगल 90 से बड़ा है, तो ऐसे केस में कॉस थीटा निगेटिव आता है। खास तौर पे एक वर्ड है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी में इसका क्वेश्चन आपको 135 डिग्री एंगल पे बहुत सारा मिलता है। एग्जांपल मर्क्यूरी जिसका थीटा होता है 135 डिग्री, तो ऐसे केस में कॉस थीटा निगेटिव आता है, हाइट निगेटिव आता है। हाइट निगेटिव का मतलब लिक्विड का फॉल हो जाएगा, बाहरी लेवल से लिक्विड नीचे चला जाएगा। बाहर में लिक्विड का जो भी लेवल था ना, बाहर में लिक्विड का जो भी लेवल था, लिक्विड उससे नीचे चला जाएगा, लिक्विड उससे नीचे चला जाएगा, लिक्विड नीचे चला जाएगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। लिक्विड नीचे चला जाएगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस का फॉर्मेशन होगा। तो कोई भी न्यूमेरिकल जब आप पढ़ते हो ना, तो ये सारा पॉइंट्स दिमाग में रखो, अभी तो बहुत सारा चीज आना बाकी है, उससे तुम पहले पढ़ते 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 तुम्हारा प्लान बन जाता है कि हाँ इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें क्या लगाना है, क्या सोचना है, कैसे सोचना, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सब सोच। अगला पॉइंट ये आपके पास, ये आपके पास लिक्विड का मेनिस्कस, इसके नीचे लिक्विड। अगर आप इसको ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा तो ये पूरा का पूरा मेनिस्कस, जिस स्फेयर का पोर्शन था, मेनिस्कस ये है, ठीक है, मेरा हाथ मेनिस्कस है, आपको मेनिस्कस दिखाई देता है, लेकिन मेनिस्कस एक्चुअली एक स्फेयर का पोर्शन होता है। मेरी बात समझ रहे हो? मेनिस्कस जिस स्फीयर का पोर्शन होता है, उस स्फीयर के सेंटर से जो आप रेडियस दिखा रहे हो, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, और ट्यूब का अपना एक रेडियस होता है, ट्यूब का अपना एक रेडियस होता है, दो दो रेडियस है, ध्यान रखिएगा, एक कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है और एक मेनिस्कस का रेडियस है। मेनिस्कस के रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, और ट्यूब का, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस हम लोग स्मॉल आर से प्रीवियस डे, पिछले दिन से डेरिवेशन से याद कर, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ ट्यूब, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। देखो इनमें रिलेशन, क्या ये एंगल थीटा है? फिर ये 90 माइनस थीटा, फिर से ये एंगल थीटा आएगा। तो जरा गौर करना, cos theta can be based by hypotenuse, cos theta can be based by hypotenuse, तो जहां भी small r लिखोगे capital r into cos theta लिखोगे, जहां भी small r लिखोगे capital r into cos theta लिखोगे, small r equals to capital r into cos theta, ठीक है, small r radius of capillary, capital r रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो सर थीटा क्या? कॉन्टैक्ट एंगल, जो कॉन्टैक्ट एंगल इधर। अब देखो हम लोग के पास हाइट का फॉर्मूला था 2t cos θ / r ρg, आप इसमें 2t cos θ, स्मॉल r के जगह पे आप ये पुट कर ले कैपिटल r cos θ,
ये cos थीटा कट गया, तो h कैन बी रिटन एज 2t पाई r रो g। सब कोई कुछ रिलेशन हम जो बोल रहे हैं इस पे ध्यान रखिए, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। देखिए एक रिलेशन ये है, इसमें जब आप रेडियस ऑफ कैपिलरी यूज कीजिएगा, पाइप का रेडियस लीजिएगा, तो ऊपर में कॉस थीटा रहेगा, और जब आप रेडियस ऑफ मेनिस्कस यूज कीजिएगा तो इसमें कॉस थीटा नहीं है, 2t बाय r रो g। मेरी बात समझ में आ रही है, डिफरेंस पता चल रहा दोनों इक्वेशंस में? यस सर। आगे देखिए फोर्थ पॉइंट, हमारे पास है h इज इक्वल टू 2t बाय r रो g। h और r को मल्टीप्लाई करो, h डॉट r इज इक्वल टू 2t बाय रो इनटू g। किसी एक लिक्विड का, किसी खास लिक्विड का बात करें, चलिए वाटर का बात कर लीजिए, मर्क्यूरी का बात कर लीजिए, किसी भी एक लिक्विड का बात, अगर आप एक सर्टेन लिक्विड के बारे में चर्चा करते हैं, एक सर्टेन लिक्विड के बारे में, तो ना उसका सरफेस टेंशन बदलेगा, ना उसका डेंसिटी बदलेगा, ना जी का वैल्यू बदलेगा। इसका मतलब यह है कि हाइट और रेडियस ऑफ मेनिस्कस, हाइट एंड रेडियस ऑफ मेनिस्कस का जो मल्टीप्लीकेशन है, हाइट और रेडियस ऑफ मेनिस्कस का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आएगा मतलब हाइट 1 r1 इज इक्वल्स टू हाइट 2 r2, ये वैल्यू आएगा। सर इसका मतलब नहीं समझे सर, इसका मतलब ये है कि हाइट अगर बढ़ाओगे तो रेडियस घट जाएगा, और अगर हाइट घटाओगे तो रेडियस बढ़ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। अभी भी ये क्लियर नहीं है, हम आपको कुछ समझाते हैं, जरा गौर करो। एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन देख रहे हैं, दे रहे हैं, देखो मान लो यहां तक लिक्विड भरा, इसमें एक बहुत बड़ा पाइप डाल दिए। जब आप बहुत बड़ा पाइप डाल दिए तो देखा गया कि लिक्विड यहां तक राइज किया, लिक्विड यहां तक राइज किया, ये हाइट है h1। अब मान लो जैसे ये h1 है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तक लिक्विड राइज किया। सेकेंड केस में क्या किए कि एक पाइप लिए इससे छोटा, पाइप इससे छोटा लिए। आपको बताएगा कि जब आप पाइप इस लेवल से छोटा पाइप लिए तो लिक्विड इसमें कैसे काम करेगा, लिक्विड राइज करेगा, राइज करने के बाद फाउंटेन की तरह बाहर आएगा या गिरने लगेगा या कुछ और मेंटेन करेगा, क्या होगा बताओ? सर फाउंटेन की तरह बाहर आएगा। और कुछ, किसी का आंसर है फाउंटेन की तरह बाहर आएगा, और बोलो सर। हाइट कम है तो रेडियस ज्यादा होगा इसका, हाइट कम है तो रेडियस बढ़ जाएगा, ये बोल रहे हो? हाँ यस सर। चलो ठीक, और कुछ किसी का? पाइप में एक सर्टेन हाइट तक रहेगा। क्या बोले? तो पाइप में एक सर्टेन हाइट तक रहेगा, तो यहाँ तक पहुंचेगा या फिर उससे पहले ही रुक जाएगा? सर उससे पहले ही। कुछ और? ऊपर पहुंच के एक मेम्ब्रेन बनाएगा। ऊपर पहुंच के मेम्ब्रेन बनाएगा। मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हो? रेडियस बोलो, मेनिस्कस बोलो, कुछ ऐसा बोलो। देखो ऑलमोस्ट आपका आंसर सेकंड में जो आंसर दिए ना वो आंसर बहुत सही है। देखिए होगा क्या, सब कुछ सुनिए, मेरे हाथ को देखिएगा ध्यान से। हाँ मेरे हाथ को लिक्विड यहां से राइज करना स्टार्ट करें, करते 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 जब वो ऊपर तक पहुंचेगा, अभी वो चाहता तो है कि और ऊपर जाए क्योंकि उसको यहां जाने का मन है, लेकिन अब पाइप है ही नहीं तो हवा में थोड़ी ना चला जाएगा, तो अब उसके बाद वो क्या करेगा? अब उसके बाद वो अपने रेडियस को एडजस्ट करेगा, अपने कर्वेचर को एडजस्ट करेगा। देखो पहले इतना कम रेडियस था
अब वो वहां हाइट तक पहुंचा, उसके बाद वो अपने रेडियस को एडजस्ट करेगा ताकि एच और आर का यहां पे छोटा रेडियस था, यहां पे छोटा रेडियस था अगर, यहां तक लिक्विड राइज करेगा, यहां तक लिक्विड राइज करेगा और उसके बाद एक बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर बना देगा आर टू। इस बार हाइट कम है, यहां पे जो एच वन और आर वन आएगा यहां के एच टू और आर टू के साथ सेम हो जाएगा। हाइट कम है, रेडियस बढ़ जाएगा, हाइट कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. Yes, तो लिक्विड इस तरह से एडजस्ट करेगा। आप देखो हम लोग एक एक टर्म इसमें देखते ही जा रहे हैं। अब आइए जी के ऊपर। जी क्या है? जी के ऊपर देखे सब, ये सबको क्लियर समझ में आया क्या हुआ है? क्योंकि ऊपर जाने के बाद आलोक वो अपना कर्वेचर को बड़ा कर लेगा, हाइट नहीं बढ़ेगा, कर्वेचर बढ़ जाएगा। ओके सर। इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद रखिएगा एच का जो इक्वेशन है 2t cos थीटा है, तो नीचे स्मॉल r og है, 2t है तो कैपिटल आर ओ जी है। ये जो जी होता है वो जी इफेक्टिव आपको लेना पड़ता है, ये जो जी होता है वो जी इफेक्टिव लेना पड़ता है। जी इफेक्टिव का मतलब क्या होगा वो समझो, जी इफेक्टिव का मतलब होता है जहां भी आप इस कैपिलैरिटी फेनोमेनन को एनालाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहां का इफेक्टिव जी लेना। जैसे आप सैटेलाइट में हैं, तो सैटेलाइट का इफेक्टिव जी कोई बताएगा? जीरो जीरो जीरो। तो हर जगह अलग अलग जी होता है, जी इफेक्टिव आपको लेना है। हम आपके लिए थोड़ा हिंट यहां दे दें, जी इफेक्टिव निकालने का तरीका है जी और जो भी वहां का एक्सेलरेशन होता है उसका माइनस, जी इफेक्टिव जी माइनस एक्सेलरेशन। सैटेलाइट के केस में, इन केस ऑफ सैटेलाइट जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जीरो। चलो एक नए क्वेश्चन का शुरुआत, सैटेलाइट के अंदर जी इफेक्टिव जीरो होता है, देख लो बताओ जरा। सैटेलाइट के अंदर जी इफेक्टिव जीरो होता है, जी इफेक्टिव जीरो होता है तो बोलो लिक्विड कितने हाइट तक राइज करेगा? राइज ही नहीं करेगा सर, बिल्कुल जीरो। अच्छा अगर जी इफेक्टिव जीरो है तब तो एच इंफिनिटी आ रहा है ना मैथमेटिकली, कोई लिमिट नहीं रहेगा, कोई इंफिनिटी। अच्छा कोई लिमिट नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या है भाई? ऊपर चढ़ते जाएगा, चढ़ते जाएगा, चढ़ते जाएगा, पाइप खत्म हो जाएगा फिर भी चढ़ते जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाएगा, जितने लेंथ का पाइप रहेगा वहां तक चढ़ेगा, उसके बाद रेडियस को कर देगा फ्लैट। एच इंफिनिटी नहीं हो सकता, आर को फ्लैट कर देगा, रेडियस को फ्लैट कर देगा तो आर तो इंफिनिटी हो जाएगा। तो याद रखना h कैन नॉट बी इंफिनिटी, h इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ कैपिलरी। जो भी हमारा कैपिलरी होता है h उसी के बराबर होगा। जेई मेंस में एक क्वेश्चन आया, सुनना ध्यान से, एकदम जेई मेंस का डाटा। सैटेलाइट के अंदर एक कैपिलरी फेनोमेनन एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ 40 सेंटीमीटर कैपिलरी, विद द हेल्प ऑफ 40 सेंटीमीटर कैपिलरी। फाइंड द हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन कैपिलरी, आंसर इज 40 तक ही जाएगा। अब आप कोई थ्योरी लगा सकते, जाना तो इंफिनिटी चाहता है लेकिन पाइप खत्म है 40 पे,
तो 40 पे पहुंच जाएगा, रेडियस को इन्फिनिटी कर देगा, हाइट 40 रहेगा, रेडियस इन्फिनिटी रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस ठीक। चलो एक लास्ट चीज देख लो, अगर हम कैपिलरी के ट्यूब को ऐसे टेढ़ा डालें तो क्या होगा? याद रखना इसमें लिक्विड इस लेवल तक राइज करेगा और इसका वर्टिकल हाइट एच होगा, वर्टिकल हाइट होगा एच टू पी कॉस थीटा बाई आर ओ जी, वर्टिकल हाइट होगा एच। समझ में आया? वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट होगा एच के बराबर। ठीक है, इधर से मत सोचिएगा, वर्टिकल हाइट सोचिएगा एच के बराबर रहेगा। इज दिस क्लियर? नोट करें यहां तक फटाफट। देखिए इसके बाद जो टॉपिक हम लोग इसमें सरफेस टेंशन को लेके ऐड करने जा रहे हैं, वह सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड का फ्री सरफेस एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, ये आपको बेसिक डेफिनेशन से बताया जा रहा है। फिर से, सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड का एक फ्री सरफेस एक खींचे हुए रबर स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है, खींचे हुए रबर की तरह काम। अब अगर वो खींचे हुए रबर की तरह काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ एनर्जी होगा। क्या बोलते हो? सही है, अगर खींचा हुआ रबर है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है ना। Yes, sir. आप एक्चुअली उसी का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन फ्री सरफेस of any liquid due to surface tension, free surface of any liquid due to surface tension। देखिए आपके पास एक बी शेप का एक फ्रेम है, एक स्लाइडिंग वायर है, ये आपका स्लाइडिंग वायर है, यहां से यहां तक का लेंथ एल है। आप इसको एक लिक्विड एक सोप सॉल्यूशन में डुबा के यहां पे एक फिल्म डेवलप कर दी, एक सोप फिल्म आप यहां पे बना दी, एक सोप फिल्म, यहां पे एक सोप फिल्म बना हुआ है। दिस इज सोप फिल्म, ठीक है, जिसका सरफेस टेंशन मान लो टी है। अब देखो अगर आप उस स्लाइडिंग वायर को पकड़ के नहीं रखिएगा तो क्या वो स्लाइडिंग वायर लेफ्ट की तरफ खींचा जाने लगेगा? यस सर। लेफ्ट की तरफ उसको खींचे जाने वाला फोर्स कौन है? तो लेफ्ट की तरफ उसको खींचा जाने वाला फोर्स है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एट एनी इंस्टेंट, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन स्लाइडिंग वायर, दैट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन विल बी इक्वल्स टू, याद है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ इनटू टू। यस सर। टू क्यों हुआ? टू क्यों हुआ? दोनों साइड टू फ्री सरफेसेस। बिल्कुल सही, ऊपर वाला भी फ्री सरफेस, नीचे वाला भी फ्री सरफेस, दोनों मिलके टू है। ठीक है, अब देखिए हम चाहते हैं स्लाइडिंग वायर को कांस्टेंट वेलोसिटी से डेल एक्स डिस्टेंस दूर मूव कराना, मतलब स्लाइडिंग वायर को खींच के यहां तक ले आना। ठीक है
move that sliding wire with constant velocity. To move that sliding wire with constant velocity, external force required. External force required, that F required. कितना? तो जितना surface tension का force था, मतलब T into L into 2. हाँ, बस direction इस direction में होगा. This is F external. Is this clear? Yes sir. ठीक. अब तेरा गौर करो, तो उसकी वजह से ये area बढ़ेगा. जरा ध्यान से इसको देखिएगा अच्छे से सब कोई. एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स है वो टी एल इंटू टू है और डिस्प्लेसमेंट है डेल एक्स. जब कभी भी हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, हम लोग एक ही चीज सीखते आ रहे फिजिक्स में, हमको वर्क निकालना है. पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इसका मतलब वर्क निकालना है. ठीक है, वर्क किसका भाई? एक्सटर्नल एजेंट का वर्क. एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स आपके पास है टी एल टू. बताओ ये फोर्स कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल? कैसे? रुक जा, कोई वेरिएबल बोला? कैसे बोला आलोक रंजन? वेरिएबल कांस्टेंट है सर. अरे रुक जा, उसको वेरिएबल को ठीक करने दो. बोलो. अरे गलती से बोल देगा यार, गलती से गलती करके चलाना सब एग्जाम में. हाँ, बाद में बोलना गलती से गलती हो गया सब. दिस फोर्स इज कांस्टेंट, ये फोर्स कांस्टेंट है. सो वर्क ऑफ दिस फोर्स फॉर डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट, इस फोर्स का वर्क डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए, दैट वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. दैट वर्क इज इक्वल्स टू पी सोच के बताओ, लेंथ को अगर डेल एक्स से मल्टीप्लाई दे रहा यार. तो देखो, जो तुम्हारे पास वर्क आया है थ्री टाइम्स ऑफ 12 इनटू डेल एक्स, T times of 2L into del x, ठीक है? अब थोड़ा सा आगे समझने का कोशिश कीजिए. ये L into del x क्या होगा? जब आप इस लेंथ को del x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला एरिया है और ऐसा ही एरिया नीचे भी है. जैसा एरिया L into del x आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वैसा ही एरिया नीचे भी है. तो 2 into L into del x क्या है? तो वो एरिया का चेंज है, वो एरिया का चेंज है. सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. जितना एरिया तक आप उस स्लाइडिंग वायर को खींचिएगा, मेम्ब्रेन या यू कहो सोप का जो फिल्म है, जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा और आपका किया गया वर्क वहां पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड as change in potential energy, change in potential energy. Therefore, change in potential energy is equals to T into del A. Change in potential energy is equals to T into del A. Surface tension T, del A is change in area. Surface tension T and del A is change in area. आगे देखो, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? U final minus U initial. तो क्या तुम यहां लिख सकते हो एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल? अब देखो कंपेयर करो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, टी इनटू एरिया फाइनल एंड टी इनटू एरिया इनिशियल. तो क्या तुम किसी भी इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए बोल सकते हो सरफेस टेंशन इनटू एरिया? यस सर. सरफेस टेंशन इनटू एरिया, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ये कौन सा एरिया है?
फ्री सरफेस एरिया, देखो शुरुआती एरिया इतना था, तो शुरुआत का पोटेंशियल एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू ये एरिया होगा, बाद का एरिया इतना है, बाद का एरिया ये बड़ा वाला है, तो बाद का पोटेंशियल एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू बाद का जो एरिया है वो होगा। ऑलवेज रिमेंबर सरफेस टेंशन इनटू एरिया विल गिव यू पोटेंशियल एनर्जी। यहां से आगे जैसे देखिए एक एग्जांपल, फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस स्मॉल आर, क्या हम उसका पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। कोई एक लिक्विड ड्रॉप है, कोई एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस है आर, तो क्या आप उसका पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इनटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। यस सर। दूसरा देखो, फॉर सोप बबल ऑफ रेडियस आर, क्या आप उसका पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 2। बताओ तो ये 2 क्यों आया? क्योंकि सर बबल का अंदर भी फ्री सरफेस एरिया होता है, बाहर भी होता है। वेरी गुड। बबल में ब्रेन है, बबल के अंदर भी फ्री सरफेस है, बाहर भी है, अंदर भी हवा है बाहर भी है, तो दो फ्री सरफेस हो गया। तो ऐसे सोच सोच के लिखना, ठीक है। अब एक टर्म आया यहां से आगे बढ़ रहे हैं। नाउ पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो पोटेंशियल एनर्जी है टी इनटू एरिया, और फिर पर यूनिट एरिया, एरिया क्या कट गया, क्या ये सरफेस टेंशन के बराबर हुआ? जब आप किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, या इसका दूसरा नाम है सरफेस एनर्जी डेंसिटी, सरफेस एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बोलो, या फिर इसी का दूसरा नाम है सरफेस एनर्जी डेंसिटी बोलो, याद रखना इट विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। किसके बराबर होगा ये? लिक्विड के सरफेस टेंशन के बराबर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी या सरफेस एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग एल्स बट सिंपली इट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। अच्छे से नोट कीजिए, कहीं डाउट को बात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो अभी तक का डिस्कशन था उसमें आप ये सीखें कि अगर लिक्विड का फ्री सरफेस नोन होगा, या कोई भी हमारे पास अरेंजमेंट हो, ड्रॉपलेट हो, सोप बबल हो, समथिंग, अगर हमको फ्री सरफेस पता है तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वी कैन फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से आप निकाल सकते हो सरफेस एनर्जी डेंसिटी, या फिर आप निकाल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसमें एक खास तरह का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, वो होता है कॉम्बिनेशन एंड स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स को कंबाइन कर। देखो अगर बहुत सारा ड्रॉपलेट आपस में मिलता है ना तो एक बड़ा ड्रॉपलेट बन जाता है। बड़े ड्रॉपलेट और छोटे ड्रॉपलेट के आपस में मिलने के दौरान एरिया में बदलाव होता है, और उस एरिया में चेंज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। आप इन बातों को ध्यान से सुनिए। मान लीजिए n स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन करके बनाया है एक बिग ड्रॉप, ऐसा ऐसा छोटा 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 रेडियस का ड्रॉप्स है, n ड्रॉप्स है, आपस में मिलकर बनाया है एक बिग ड्रॉप। बिग ड्रॉप का अपना एक रेडियस है, और हर छोटे ड्रॉप का अपना एक रेडियस है।
आखिर इनके रेडियस में क्या रिलेशन है? सबसे पहले ये सोचो, सोचो ऐसे n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। आप लिख सकते हो n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप 4 by 3 pi स्मॉल r क्यूब and that will be equals to 4 by 3 pi capital R cube. ये 4 by 3 pi, 4 by 3 pi cancel. n into small r का cube is equals to capital R का cube. तो आप जब cube root चढ़ाओगे तो तुमको मिलेगा capital R is equals to n के power 1 by 3 into small r. Capital R will be equals to n के power 1 by 3 into small r. इसका question हमेशा 8 drops, 27 drops, 64 drops, 125 drops, कुछ इस नंबर का होता है जिसका क्यूब रूट निकालना बहुत आसान होता है। अगर हम तुमसे बोलेंगे कि देखो जी 8 ड्रॉप आपस में कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया, तो आप n के जगह पे अगर 8 पुट कीजिएगा, 1 बाई थर्ड निकालेगा तो 2 आएगा। तो बड़े ड्रॉप का जो रेडियस है, बड़े ड्रॉप का जो रेडियस है वो छोटे वाले ड्रॉप के रेडियस का दुगना है, 2r। अब जब आप रेडियस के रिलेशन निकाल लिए तो आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप इनटू n लेंगे ना, सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप इनटू n, ऐसा ऐसा n ड्रॉप्स था। जब आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखिएगा तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया ऑफ बिग ड्रॉप का रेडियस। अब आप यहां से चेंज इन एनर्जी निकाल लीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल या जो बोला गया है उसको आप फाइंड आउट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ड्रॉपलेट्स का क्वेश्चन आज के बाद आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत जगह मिलने वाला है, और हर ड्रॉपलेट के क्वेश्चन में ये लाइन कहां है। दो तरह का क्वेश्चन होता है, छोटे छोटे ड्रॉप्स को मिला के बड़ा ड्रॉप बनाना, और दूसरा होता है बड़ा ड्रॉप को तोड़ के छोटा छोटा ड्रॉप्स बनाना। दोनों केस में बड़ा का रेडियस और छोटे के रेडियस के बीच ये रिलेशन होता है। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आगे फिजिक्स के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत जगह तुमको इस कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है, इसको नोट कर लो। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे एक्सेस प्रेशर में, नोट करो इसको फटाफट।